हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, अभी इंडियन नेवी AMR SSR और AA से रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ है एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट के बारे में। और ये न्यूज़ एक तरीके से अच्छी भी है, कुछ लोगों के लिए ख़राब भी है। देखिए, सबसे पहले अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग जल्दी चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, और ख़राब उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है, साथ में ये भी टेंशन है कि इसका भी एग्ज़ाम देना है, तो उन लोगों के लिए। तो खबर ये है मेरे कैंडिडेट के अनुसार कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 से 15 फरवरी के बीच में हो सकता है। यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 से 15 फरवरी तक हो सकता है, और एडमिट कार्ड आ सकता है आपका 5 से 7 फरवरी से पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एग्ज़ाम 10 से 15 फरवरी के बीच में किसी भी डेट से स्टार्ट हो सकता है इंडियन नेवी का। तो यहाँ पे जिन लोगों का भी बोर्ड का एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी और वो चाहते भी होंगे। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो चाहते होंगे कि जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है। अच्छा, अभी उन्होंने बोला कि उनका नाम भी मैं बोल दूं, तो उनका नाम है प्रिंस पांडे। प्रिंस पांडे ने ये न्यूज़ दी है मुझे और उन्होंने बताया था, तो थैंक यू प्रिंस आपको कि आपने ये शेयर की जानकारी। और अभी के लिए यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा 10 से 15 फरवरी के बीच में। एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके 5 से 7 फरवरी तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। तो ये है अभी के लिए न्यूज़। तो गाइज़, ये तो हो गई अब एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की बात, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखो, जितना भी आपने रिलैक्स होकर तैयारी की है और जो तैयारी नहीं की है, जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है उन लोगों का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है अच्छे से, उनके पास अभी भी 1 मंथ का टाइम है। तो आप लोग प्लीज़ इस टाइम को जाया मत करो, इस टाइम को जाने मत दो, और टाइम पास में मत जाने दो टाइम को, क्योंकि एक बार ये टाइम चला जाएगा फिर बाद में आपका एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से, और फिर बाद में आप बोलोगे कि आपने तैयारी नहीं करवाई, या फिर किसी भी टीचर को जाके बोलोगे कि उन्होंने तैयारी नहीं करवाई। बस यही चीज़ है कि हम जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सब कुछ दूसरों पे सारा जो है बिल फाड़ना चाहते हैं, तो ये गलत है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो, और वीडियोस देखना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, तो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फुल प्रैक्टिस सेट्स के, आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी से भी अगर आप चाहो तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो, आपकी लाइफ है, आपको उसको अपने तरीके से हैंडल करना है। मेरा काम है आपको बताना, आपको सही रास्ता दिखाना, चलना आपको ही है, तो बस यही बोलना था। बाकी जो होता है मैं बताऊंगा, कुछ ही देर में आपको मिल जाएगी साइंस और जीके की जो टॉप 35 क्वेश्चंस की वीडियो होती है वो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।